गोरखपुर में भाजपा किसान मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य मंत्री और पदाधिकारी ने भी किसानों को संबोधित किया। देश भर से करीब 3200 किसान प्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों को पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम याद दिलाए, साथ ही सोशल मीडिया की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संदेश दिया। इस दौरान अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे भी मंच पर मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अमित भाई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और सभी पदाधिकारियों को विनती करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन जगह पे खड़े होके वंदे मातरम का समूहगान करेंगे। बहन प्रदीप कौर और बहन संगीता त्यागी जी को मैं विनती करूंगा कि वो वंदे मातरम का सामूहिक रूप से करवाएं। मेला मातरम वंदे मातरम पुलकित यामिनी फुल कुसुम धुंधल शोभिनी सुभासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की, भारत माता की, बोले भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी मस्त को विनती करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वो स्मृति चिन्ह देके आदरणीय अमित भाई शाह जी का स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अमित भाई शाह जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी मस्त कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब
हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत भी हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी स्मृति चिन्ह देकर करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह देके उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम देर का दो दोस्त इस सौभाग्य के साथ इस घड़ी के साथ जुड़ेंगे और वो भारत माता की, भारत माता की। और आदरणीय रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उनका स्वागत किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर गौड़ा पाटिल जी और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीत चौबे जी फोन लेकर करेंगे। परम आदरणीय रामलाल जी का स्वागत करेंगे शंकर गौड़ा जी और अजीत चौबे जी। हमारे बीच आदरणीय जेपी नड्डा जी केंद्रीय आरोग्य मंत्री उपस्थित है, सुधाकर राव जी हमारे महामंत्री, उनको मैं कहूंगा कि आदरणीय जेपी नड्डा जी का स्वागत करें। हमारे बीच हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी मस्त उपस्थित है, किसान मोर्चा के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष करें, बोलिए भारत माता की, देर बार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बीच माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी उपस्थित है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, मैं बहन सावित्री ठाकुर जी को विनती करूंगा कि वो आए और आदरणीय शिव प्रताप जी का स्वागत करें। हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हृदयनाथ जी उपस्थित है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र सागर जी को कहूंगा कि वो आए और आदरणीय हृदयनाथ जी का स्वागत करें। हमारे बीच इस कार्यकारिणी में सांसद गण भी उपस्थित है, माननीय शरद त्रिपाठी जी, माननीय कमले रंगे, कृपया जल्दी से आइए। मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शंभू कुमार, कोषाध्यक्ष सुधीर त्यागी जी, राजा वर्मा जी और ममता सिंह, सभी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी स्वागत करेंगे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, किसान मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराजी योगी आदित्यनाथ जी, महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री भाई राधामोहन सिंह जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी, हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय हृदयनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और इस देश के हर प्रदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों तथा बहनों, भारत के किसानों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस गोरखपीठ के तपोभूमि पर हम यहां दो दिन तक भारतीय जनता पार्टी के तपोश्रमी शौर्य के प्रतीक, राजनीतिक शौर्य के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई के मार्गदर्शन में
कृषि के और किसानों के समृद्धि के बारे में मंथन करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं और बहुत से इतिहास के पन्ने में इस बात की गवाही है। स्वराज के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कहा था कि स्वराज का रास्ता गांव, खेत, खलिहान और किसान से होकर गुजरता। बाबू मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी लड़ी जा रही थी। इसी चंपारण के भूमि में बापू ने कहा था, किसानों के समृद्धि ही स्वराज के बाद स्वराज के मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं, आजादी के बाद स्वराज से सुराज तक पहुंचाने का मुकाम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित भाई ने, जो कार्यकर्ताओं ने जो मार्गदर्शन किया, वही स्वराज से सुराज तक मुकाम तक पहुंचाने का काम है, जिसका जीता जागता तस्वीर यहां दिख रहा है। अध्यक्ष जी, हमारा देश बहुत पुरातन देश है, हमारी देश की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत पुरातन है, लेकिन बहुत दिनों तक शासन करने वाले लोगों ने हमारे देश के गांव के कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। लेकिन आपके मार्गदर्शन में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज ने, आपने जो मार्गदर्शन दिया, मैं कह सकता हूं राज्यसभा में विगत पिछले दिनों में किसानों के संबंध में जो आपका भाषण हुआ, उस भाषण को हम कार्यकर्ताओं के लिए पाथेय मानना चाहिए, मार्गदर्शक मानना चाहिए और उसका हमको अध्ययन करना चाहिए। वही दिशा देता है कि हम देश के किसानों की और कृषि की समृद्धि कैसे हम यहां तक पहुंचा सकते हैं। अध्यक्ष जी, पिछले 7 साल तक शासन करने वाली सरकारों ने हमारी देश के किसानों की कृषि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने कृषि और किसानों के समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। किसानों की समृद्धि देश की समृद्धि होगी, यही बात आजादी के पहले संकल्प किया गया था, लेकिन स्वराज प्राप्त होने के बाद स्वराज को मुकाम तक पहुंचाने का जो काम पार्टी आपके नेतृत्व में सरकार को मार्गदर्शन किए हैं और सरकार ने जो फैसला किया है अध्यक्ष जी, वो भारत के इतिहास में किसानों के समृद्धि के इतिहास के साथ दर्ज होगा। अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो दुनिया को प्रेरणा देती है, मानवीय संवेदना का प्रेरणा देती है, दुनिया इस बात को लोहा मान रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत को और भारत के 6.5 लाख गांवों को, हिंदुस्तान के किसानों के समृद्धि के लिए काम शुरू किया है, जो उन्होंने संकल्प किया है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे, किसानों के समृद्धि को बढ़ाएंगे, उसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है कि उन्होंने फैसला किया कि हम किसानों के खाते में 6,000 रुपया सीधे भेजेंगे। मैं कह सकता हूं, जिन लोगों ने 6 पैसे का कभी सहायता किसानों के लिए नहीं किया, अध्यक्ष जी, वो लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत कम है, उनको शर्म भी नहीं आती है। इस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों से कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूं, उनसे सवाल पूछो कि 7 साल के शासन में जिन लोगों ने 6 पैसे नहीं दिए, वो लोग हमारे पहले इस बड़े कदम को अगर विरोध कर रहे हैं तो किसान की समृद्धि उनको अच्छी नहीं लग रही है और किसान के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, इसका जीता जागता प्रमाण। अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमारे मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। यह बात प्रकट करता है
कि हम अन्वेषण करके इस देश को समृद्धि को मुकाम तक पहुंचाएंगे और गांव को भी उस अन्वेषण से जोड़ेंगे और किसान को भी अन्वेषण से जोड़ेंगे। मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसी सरकार ने अटल जी की सरकार छोड़कर अभी तक किसानों के समृद्धि के लिए कोई काम नहीं किया और उसी काम को हमारे मोदी जी की सरकार ने आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूं किसान होने के नाते यह समृद्धि का मुकाम आगे बढ़ता जाएगा और ये शुरुआत है, आगे और बड़े कदम उठेंगे। इस बात को जाकर गांव गांव तक पहुंचाओ और इस बात को ऐलान करो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपोश्रमी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए ताकीद किया है कि भारत सरकार की योजनाएं और हमारी जहां भी प्रदेश सरकार की कृषि समृद्धि की योजनाएं हैं हर लाभार्थी तक जरूर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी लाभार्थी जरूर बने। अध्यक्ष जी, जिन योजनाओं को भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार ने लागू किया है, फैसला किया है इस देश के समृद्धि के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना, हम भूमि के परीक्षण करके उसमें कैसे उपजाऊ हो सकता है, उन्नत बीज की योजना, हम देश आज हमारा दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक क्षेत्र हो गया है, खेती की लागत कम करने के लिए हम प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में सोलर सिंचाई के लिए हमने देश की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दिया है, मेरी खुद की खेती सोलर सिंचाई से होती है अध्यक्ष जी, 40% लागत उसमें खेती की कम हो जाते हैं और किसानों की आय बढ़ जाती है। इसी प्रकार गौशाला बनाने की योजना, पहली बार इस देश की सरकार ने भेड़ पालक किसानों के लिए योजना नाबार्ड से बनाई है, जो ऐतिहासिक फैसला है। भेड़ पालन करने वाले किसानों को आज तक कोई सरकार ने चिंता नहीं किया था। मछली पालन करने वाले किसानों के लिए मत्स्य आयोग बनाकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संदेश दिया है कि हम मछली पालन करने वाले किसानों की भी चिंता करते हैं। नारियल पैदा करने वाले किसानों के लिए, गन्ना पैदा करने वाले किसानों के लिए, आलू टमाटर प्याज पैदा, अंगूर पैदा करने वाले किसानों के लिए, संतरा पैदा करने वाले किसानों के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। दूध के उत्पादन में हम दुनिया के सबसे बड़े देश उत्पादक, दूध उत्पादक देश हो गए हैं। हम लोग दूध पीने वाले लोग हैं ना, दूध पीते हैं और दूध का महत्व समझते हैं। जो दूध पीता है वो दवा के दुकान पर नहीं जाता है, इसलिए सरकार दूध के उत्पादन में बड़ा कदम उठाई है और ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की सभ्यता और परंपरा को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम। पशुपालन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालन करने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड कम ब्याज पर, 2% ब्याज पर देने का फैसला किया। हमारी सरकार ने खेती और मजदूर कामगार महिलाओं के लिए भी 3000 मासिक पेंशन देने की योजना बनाई है, वो बहुत बड़ी योजना। इसी प्रकार जल संरक्षण के लिए अध्यक्ष जी, 10,00,000 तालाब हिंदुस्तान में मनरेगा के द्वारा बनाए गए। भारत का जल स्तर ऊपर उठा, खेती का उत्पादन भारत का इतना बढ़ गया कि आज आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। ये दूसरे सरकार के लोग, ये दूसरे सरकार के, दूसरे पार्टी के लोग, ये राहुल गांधी और सिंधिया नहीं सोच सकते, उनको तो परिश्रम के पसीना की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत, किसानों की जो आमदनी होती थी उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता था रोगग्रस्त परिवार को, लेकिन ये आयुष्मान भारत से 5,00,000 का जो स्वास्थ्य ड्राफ्ट मिल रहा है भारत के किसानों को, कामगारों को, उनके आमदनी में अब रोग होने पर कोई खर्चा नहीं होगा। इस तरह बहुत सी सारी योजनाएं हैं जो आपके जानकारी में है। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सरकार की फिजूल खर्ची रोककर 37,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और हमारे उत्तर प्रदेश किसानों का कर्जा माफ हुआ। इस प्रकार 1,840 रुपये गेहूं का दाम महाराज जी ने तय किया है, आने वाले दिनों में किसानों की गेहूं की खरीद 1,840 रुपये होगी।
और किसानों के राज्य सरकार का भी विषय है। और इस राज्य सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जहां भी राज्य सरकारें हैं हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में तत्परता दिखा रहे। मैं अपनी बात पूरी करने के पहले अध्यक्ष जी आपको पुनः प्रणाम करता हूं और आपने एक बहुत बड़ा संकल्प किया, वह संकल्प है जो सपना देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो सपना देखा था दीनदयाल उपाध्याय ने, जो सपना देखा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जो सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो सपना देखा था राम मनोहर लोहिया ने, जो सपना देखा था चौधरी चरण सिंह ने, जो सपना देखा था चौधरी देवीलाल ने, जो सपना देखा था किसानों के नेता कुंभाराम आर्य ने, उसी सपनों का भारत बनाने का संकल्प और मार्गदर्शन आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है और वही सपना साकार हो रहा है अध्यक्ष जी। और उन्हीं के सपनों का भारत बनाने के लिए यहाँ किसान मोर्चा के देश के हर प्रदेशों से कार्यकर्ता आए हैं। जाओ सभी किसान मोर्चा के भाइयों बहनों से मेरी प्रार्थना है, जाओ गांव गांव में, हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में जाओ, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई का संदेश लेकर जाओ। उत्तर प्रदेश के सभी किसान मोर्चा के भाइयों बहनों से मैं कहता हूं महाराज जी आदित्यनाथ जी का संदेश लेकर जाओ, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र भ्रातृवत महेंद्रनाथ पांडे का संदेश लेकर जाओ और जाकर बताओ कि किसानों के समृद्धि से ही देश की समृद्धि होने वाली है। और दिल्ली का फैसला खेत खलिहान से ही होकर गुजरेगा और जाकर बता दो कि हमने संकल्प लेकर आया है एक बार फिर मोदी, एक बार फिर जोर से लगाओ, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। सभी किसान भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं जाओ लाठी बजा के मोदी जी की सरकार फिर से बनवा दो और भविष्य के भारत का तस्वीर देश में प्रस्तुत कर दो। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार। तो सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री उपस्थित है, आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और हम जिस प्रदेश में आज बैठे हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी पांडे को मैं विनती करूंगा कि वे आए और स्वागत भाषण करें। बोले गोरक्षनाथ की। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी इसी धरती से अपने सामाजिक और बहुत ही संवेदनशील समाज के सरोकार का जीवन शुरू करने वाले गोरक्ष पीठ के यशस्वी पीठाधीक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय संगठन मंत्री माननीय रामलाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रभारी माननीय नड्डा जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी यहां पर उपस्थित, आपके सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हमारे पुराने साथी माननीय वीरेंद्र सिंह जी मस्त, हमारे आदरणीय हृदयनाथ जी मंचस्थ श्रीमान सूर्यताप शुक्ला जी, सूर्यताप शाही जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अनिल जैन जी और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी सहित सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रादेशिक अध्यक्ष राजा वर्मा सहित सभी इस प्रदेश के हमारे पदाधिकारीगण, अन्य प्रदेशों से आए सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। जो देश के कोने कोने से किसान मोर्चा के सम्मानित प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इस भूमि पर आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय अमित शाह जी का और संपूर्ण किसान मोर्चा के हमारी जो वरिष्ठ टीम है उनके सबका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन करने के लिए उत्तर प्रदेश के इस स्थान को हमारे प्रदेश को अवसर दिया। इसके लिए मैं एक बार पुनः किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष माननीय शाहजी और उनकी टीम के सभी लोगों का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। मित्र, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आज ये जिस भूमि पर आपका सम्मेलन हो रहा है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सपा पश्चिमी बिहार, इस देश के हर किसान आंदोलनों की, चाहे आजादी के पहले रहा हो, चाहे आजादी के बाद किसान के मुद्दे उठाए हों, और चाहे आजादी के बाद 1975, 1974, 1973, 1974 की दूसरी एक संपूर्ण क्रांति की लड़ाई का केंद्र रहा हो, इन सबका ये एक बड़ा केंद्र, बड़ा संघर्षशील, बड़ा उर्वरा भूमि रही है। इस भूमि ने हमें ऐसा किसानों के मुद्दों को धार दिया है। हम सबके लिए सुअवसर है कि इसी भूमि से 5 बार से अधिक सांसद रहकर के किसानों के मुद्दों को धार देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा पुरुषार्थ के साथ किया है। हम सबके लिए अनेक ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण है, मेरे पास समय के स्वागत के निमित्त सीमा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर एक बड़ा संदेश देने माननीय अमित शाह जी आए हुए हैं, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाने वाले हैं, उनका भी अग्रिम अभिनंदन है। मित्रों, सारी ये चर्चाएं आपके बीच आई होंगी, आगे प्रस्ताव में आएंगी, माननीय रामलाल जी के संबोधन में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष निवास जी के प्रस्तावना भाषण में, अभी माननीय अमित शाह जी के प्रबोधन में आएगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अन्य पार्टियां पिछले 25-30 साल से किसानों के मुद्दों को चुनाव के समय याद करती हैं। हमारी एक पार्टी है जिसके यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद से, चाहे उन्होंने लॉन्च किया किसान सॉयल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया राजस्थान में, चाहे एमएसपी हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, वन बाई वन एक एक स्टेप उठाते गए, क्योंकि 60 से 70% आबादी को उनकी आय को दोगुना करने का एक सुनियोजित टारगेट पॉइंट प्रोग्राम बना के चले। आज उस कदम में जहां केंद्र की सरकारें अनेक सकारात्मक कदम किसानों के हित में उठाई है, आज आपके पास गांव में जाने के लिए एक नई बीसीओ पॉजिटिव पॉइंट है किसान के हित में। वही उत्तर प्रदेश में किसानों की ऋण माफी से लेकर फसलों की खरीद से लेकर के और अनेक प्रकार की किसानों को सुविधाएं देने का, गौ संरक्षण से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अनेक पॉजिटिव कदम उठाए हैं, और देश के हमारी भाजपा की अनेक राज्य सरकारों ने एक सब कदम उठाए हैं। मित्रों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, चुनाव चिन्ह कमल और किसान के बीच में आप किसान मोर्चा के लोगों को सेतु बनना है, और आज आपके पास सबसे बड़ा 5 वर्ष की सरकार चला करके मोदी जी आज अगर देश में जा रहे हैं फिर प्रधानमंत्री के लिए, और देश की संसद में भाजपा और राज्य के बहुमत की मांग करने, आग्रह करने, अपील करने, तो पहली एक नंबर से राज्य सरकार है कि सरकार के खाते में लगातार पॉजिटिव पॉइंट है, कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है, सकारात्मक मुद्दों से हम सरकार को लेकर के जनता में जाने वाले हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश सहित देश की अन्य सरकारों ने हम आप मिलकर के इन सकारात्मक मुद्दों पर किसानों को, कमल चिन्ह को, मोदी को एकदम कोऑर्डिनेट कर देने का काम करें, यही सम्मेलन का निहितार्थ जाना चाहिए। यही अपील करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार सबका, अभिनंदन अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री रामलाल जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री राधामोहन सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री प्रकाश शुक्ल, श्री प्रताप शुक्ल जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय श्री बीरेंद्र सिंह मस्त जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, राष्ट्रीय संगठक किसान मोर्चा माननीय श्री हृदयनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रदेशों से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे किसान मोर्चा के सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, मैं आप सबका भगवान गोरखनाथ की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए, उन्होंने गोरखपुर की धरती को चुना है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं के बृहद सम्मेलन का उद्घाटन और अपना योग्य मार्गदर्शन दे करके यहां पर हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यावहारिक जीवन में एक आम जन से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक हल कैसे निकल सकता है, इसके बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है और समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए विगत 4.5 वर्ष के दौरान जिस तत्परता के साथ केंद्र सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके अनुकंपा से पूरे देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य सरकारों ने किसानों के हित को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम तय किए हैं, वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम तेजी के साथ युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का मामला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर आजादी के बाद किसी भी राजनीतिक दल को इतने राज्यों में एक साथ शासन करने का अवसर प्राप्त हो, वह सौभाग्य दिलाने जिनके नेतृत्व में हम सबको प्राप्त हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से उत्तर प्रदेश की धरती पर, बाबा गोरखनाथ जी की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे कुछ चीजें यहां पर आपके सामने कहने में कोई संकोच नहीं। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर फसल ऋण माफी की कार्य योजना सफलतापूर्वक अगर कहीं किसी राज्य में वह पूरी हो पाई तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाई, और मैं इसका श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनके मार्गदर्शन को देता हूं। मुझे याद है जब हम लोगों ने प्रदेश में सरकार बनाने का मुझे अवसर दिया और मेरे नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करना प्रारंभ की, तो किसानों के कर्ज माफी को लेकर के वर्षों से जो किसान उपेक्षित था, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां इतनी उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अच्छी कनेक्टिविटी है, सब कुछ होने के बावजूद पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण, अनादर के कारण, प्रताड़ना के कारण यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा था। वह उपेक्षित था, कर्ज तभी दबा हुआ था, प्रदेश के कई क्षेत्रों में पलायन और आत्महत्या के प्रकरण सामने आ रहे थे, भूखमरी के मामले सामने आ रहे थे। और तब जब सरकार बनने के बाद ये बात आई कि इन किसानों का 1 लाख तक का लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, बैंक
पहले से मना कर दिए कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। उस समय हम लोग इस बारे में देखते थे कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे चाहे जो भी हो किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ जरूर होना चाहिए और इसको करिए, पैसे की कमी पड़ेगी मैं व्यवस्था कराऊंगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संबल हम सबके साथ उस समय था उसका परिणाम रहा कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट से प्रदेश की फिजूल पिछली सरकारों के द्वारा जो फिजूल खर्ची होती थी उस फिजूल खर्ची पर रोक लगा करके प्रदेश सरकार ने अपने बजट से प्रदेश के उन सभी किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं कि कर्ज माफी के समय बहुत सारी जगह बातें सामने आई लेकिन प्रदेश के अंदर जिस भी किसान का कर्ज माफ हुआ अगर हम डायरी एड्रेस देखेंगे तो 60,000 रुपया प्रति किसान माफ उत्तर प्रदेश के अंदर फसली ऋण माफी के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और यह कार्य अगर किसी के मार्गदर्शन में हम लोग कर पाए तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो योग्य मार्गदर्शन हम सबके सामने था, एक मजबूत संबल हम सबके सामने था, उनके कारण हम इस योजना को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू कर पाए। प्रदेश के अंदर गन्ना किसान तबाह था, 5-6 वर्ष से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का योगदान नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से घोषित किया तो उसमें लिखा था कि हम लोग समयबद्ध ढंग से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराएंगे, लेकिन 5-6 वर्ष का गन्ना मूल्य बकाया रह गया था। लेकिन एक दूर इच्छा शक्ति के साथ साथ इस बात को लेकर के कि हर हाल में किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए और किसी भी स्थिति में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मार्च 2017 से लेकर के अब तक लगभग 55,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के किसानों को उनके खाते में कराने में सफलता प्राप्त की है। 55,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, कई राज्यों का तो बजट भी 55,000 करोड़ का नहीं होगा लेकिन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 35 लाख से ऊपर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम कराने में सफल हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि गन्ना मूल्य का भुगतान जो करंट सीजन है इसमें भी हम लोग लगभग 55% का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं और शेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए एक नई कार्य योजना के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि आज गन्ना किसान प्रदेश के अंदर खुशहाली की ओर जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी कम दाम है, भारत सरकार ने भी इसमें काफी रियायत दी है, लेकिन गन्ना किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि अगर हमें चीनी की आवश्यकता है तो हम चीनी बनाएंगे और चीनी की आवश्यकता नहीं है तो हम किसान के इस गन्ने को शुगर केन को सीधे इथेनॉल में लेकर के जाएंगे और गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। यह गन्ना किसानों के लिए एक नई संजीवनी है, यह नई संजीवनी है, इसको लेकर के दुनिया के तमाम संगठन विरोध कर रहे थे लेकिन अपने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का जो संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार दिखाया है, उन्होंने कहा कि दुनिया क्या बोलती है हमें इसकी परवाह नहीं, हमें अपने किसानों का हित देखना है और किसानों का हित इसमें है कि शुगर की आवश्यकता हमें तो हम शुगर बनाएंगे और अगर शुगर की आवश्यकता नहीं है तो गन्ना किसानों को उनका गन्ना मूल्य का भुगतान हो यह आवश्यक है और उसके लिए इथेनॉल में भी अगर बदलने की आवश्यकता पड़ती है शुगर केन को, आज उस दिशा में भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है और उस सहमति के अनुसार 1 वर्ष के बाद आप देखना गन्ना किसान देश और दुनिया का सबसे समृद्ध किसान होगा और उत्तर प्रदेश के किसान सर्वाधिक इसका लाभ लेंगे। देश के अंदर किसानों के चेहरे पर खुशहाली कभी कोई नहीं कर पाया। अभी यहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा कह रहे थे कि गेहूं का दाम समर्थन मूल्य 1840 मिलेगा। मुझे याद है 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गेहूं का समर्थन मूल्य 1460 रुपए था और 1460 रुपए भी नहीं मिल पाता था। जब उनका एमएसपी घोषित करके करेंगे क्या जब किसानों से खरीदेंगे नहीं तो
और यही होता था। किसान 900-1000 रुपए में गेहूं बेचता था और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जिन्होंने पहली बार आजादी के बाद वर्षों से स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो रही थी, तो साहस नहीं कर पा रहा था और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार को कहा गया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जैसे भी हो आड़त सिस्टम समाप्त करना है और किसानों के खाते में पैसा जाए, किसानों से सरकार सीधे खरीदे और उनके खाते में पैसा सीधे आरटीजीएस से डीबीटी के माध्यम से हम दे, यह व्यवस्था होनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या रहा कि आज के दिन पर 2019 में हम गेहूं का दाम गेहूं के किसानों को 1840 रुपए के समर्थन मूल्य देंगे और 20 रुपए छनाई उतराई को अतिरिक्त देंगे, यानी 1860 रुपए प्रत्येक किसान को हम लोग जहां गेहूं का समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2017 में आजादी के बाद कब कब क्या हुआ, लेकिन मैं मानता हूं पिछले 15 वर्षों में प्रदेश के अंदर कभी गेहूं के किसानों का या धान के किसानों का या तिलहन और दलहन पैदा करने वाले किसानों का या आलू उत्पादक करने वाले किसानों को इसका कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा था। 15 वर्षों में सपा बसपा जिसकी भी सरकारें रही हो, ये कुछ भी अपने लोग कहे, लेकिन किसानों के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई तो मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की कि आखिर कैसे हम लोग किसानों की उपज को खरीदेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता उत्तर प्रदेश में, 15 वर्षों में तो नहीं हुआ है, और जब 15 वर्षों में नहीं हुआ है तत्काल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया था, 20 मार्च से कार्य प्रारंभ किया और 1 अप्रैल से गेहूं की फसल बाजार में आनी थी। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीधे संपर्क किया और मैंने कहा कि अध्यक्ष जी, हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा है लेकिन यहां पर तो कुछ होता ही नहीं। अध्यक्ष जी ने कहा कि देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में होता होगा, आप वहां मालूम करिए और एक टीम छत्तीसगढ़ में जरूर भेजिए। मैंने 27 मार्च को छत्तीसगढ़ अपनी एक टीम भेजी और टीम को 30 मार्च को वापस आना था, लेकिन एक दिन लेट हो गया और 1 अप्रैल से जब प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों की बात आई तो छत्तीसगढ़ से टीम आने के पहले प्रदेश के अंदर 5000 क्रय केंद्र खुल चुके थे और प्रदेश के अंदर उस समय 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता था कि सरकार भी किसी से खरीदेगी, किसानों से सीधे उनकी उपज को खरीदेगी, लेकिन अगर हम करने में सफल हुए तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की नहीं, हर हाल में किसान से खरीदा जाना चाहिए। किसान को के लिए हमारी घोषणाएं केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसको हमें व्यवहारिक धरातल पर उतारना है और व्यवहारिक धरातल पर उतारने के कारण आज हम सब ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो 2018 में हम लोग 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किए। हमने 2017 में 42 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और इस वर्ष 47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम किसानों से अब तक कर चुके हैं। पैसा समर्थन मूल्य से 20 रुपए अधिक प्रत्येक किसान को करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को मंडियों को एक मार्केट के रूप में बदलने के लिए ई नाम पोर्टल के आधार पर जोड़ने की जो व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की 100 मंडियों को इस दौरान हमारी सरकार ने ई नाम के साथ जोड़ा और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि फसल योजना के अंतर्गत, सिंचाई योजना के अंतर्गत हम लोग विगत 1.5 वर्ष के दौरान 2 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता जहां उपलब्ध कराए। बाण सागर की परियोजना 1973 में योजना आयोग ने बनाई थी, 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया।
प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और हम लोगों ने अपना पूरा प्रस्ताव एक बार केंद्र सरकार के पास भेजा, आपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया और एक बार में पूरा पैसा मिला। एक वर्ष के अंदर जो 40 वर्षों में कार्य नहीं हो पाया उस कार्य को एक वर्ष के अंदर करके जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। आज हमारा 1.5 लाख हेक्टेयर खेती उससे सिंचन की क्षमता प्राप्त की है और हमारा प्रयास है इस समय भारत सरकार ने हमें सरयू नहर परियोजना के लिए, मध्य गंगा परियोजना के लिए, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए, कन्हर सिंचाई परियोजना के लिए जितनी भी धनराशि केंद्र सरकार को मिल के द्वारा दी जानी थी सारा का सारा पैसा हमें उपलब्ध हो चुका है। हमने प्रदेश सरकार की ओर से भी पूरा पैसा उपलब्ध कराया है और दिसंबर 2019 तक हम लोग 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचन के अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने वाले हैं। यह कार्य अगर हो पाया है इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर किसानों के हित में कार्य करने वाली एक संवेदनशील सरकार है। जहां पर एजेंडा विकास का है, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का है, हर एक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने का है और जीवन स्तर को उठाने के जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तत्परता के साथ किसानों की आवाज को न केवल केंद्र सरकार के पास अभी तो भारतीय जनता पार्टी शासित हर राज्य के अंदर पहुंचाई है, यह हम सबके लिए स्थापित सत्य है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं वहां वहां पर किसानों की समस्याओं का संवेदनशील तरीके से और न केवल समाधान हुआ अपितु तो वहां पर किसान ज्यादा खुशहाल है, किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। जितना कार्यक्रम विगत 4.5 वर्ष के दौरान किसानों के लिए और इस देश के आम नागरिक के लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने किया, वह मुझे लगता है कि किसान मोर्चा के लिए अपने आप से संकलित करके अपने अपने प्रदेशों में प्रत्येक किसान तक अगर हम पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है कि किसान के नाम पर जो राजनीति आजादी के बाद से लोगों ने प्रारंभ की और जो लोग किसान को केवल अपनी घोषणा पर सीमित रखते थे उन लोगों को बताने का एक माध्यम हम सबके सामने होगा। और गोरखपुर में जब किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है हम सब आभारी हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि अवसर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम यहां पर हुआ है। किसान मोर्चा के हमारे पूरे देश के 3000 से अधिक प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं मानता हूं आपको आने में गोरखपुर यह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर यानी उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में है, नेपाल की दूरी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी मात्र है और तब भी आप देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर आए हैं। आपकी यात्रा की थकान होगी क्योंकि आप यहां तालियां कम बज रही हैं और मुझे लगता है कि किसान मोर्चा के लिए तो थकते ऐसे नहीं है, किसान थकता नहीं है। अगर किसान थक जाएगा तो देश तो भूखा मर जाएगा। किसान तो अन्नदाता है और अन्नदाता किसान कभी थक नहीं सकता है। आपका जो उत्साह देश के अंदर 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के जिससे आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य और आपके द्वारा केंद्र और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं इन कार्यक्रमों को जिस तेजी के साथ आप लेकर के जाएंगे अलग अलग क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा का हो, प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना का हो या जो भी हो, ये जो कैंपस आप देख रहे हो ना, ये फर्टिलाइजर का कारखाना यहां पर 1990 में बंद हो गया था। 1990 से आप देखेंगे कितनी सरकारें आई, 15 वर्ष तक तो कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो इस देश के अंदर अपने आप को कहते हैं, इन सबकी सरकारें केंद्र में थी लेकिन किसी को सुन नहीं थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन किसानों के बारे में। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में इस खाद कारखाने का शिलान्यास गोरखपुर में रखा और कारखाना अब तक 60% पूरा हो चुका है। 2020 में यहां पर खाद का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा और केवल गोरखपुर में नहीं
बरौनी में भी खाद कारखाना बंद हो चुका था, तालचर में उड़ीसा गया था अभी पिछले सप्ताह, तालचर में उड़ीसा के लोगों में क्या उत्साह है, क्या उत्साह वहां देखने को बन रहा है। तालचर का खाद कारखाना बंद हो गया था, वह खाद कारखाना तालचर का भी फिर से प्रारंभ हुआ हो रहा है। यह कार्य आखिर इससे पहले किसानों के हितों की सरकारें थी तो क्यों किसानों के बारे में नहीं सोचा गया, क्यों किसानों के बारे में नीतियां नहीं बनती थी। हम लोगों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ करके अपनी बातों को जनता के सामने पहुंचाना होगा और मुझे लगता है कि हम सबका यह संकल्प कहीं भी मई तक तो किसी के लिए आराम की जगह होनी ही नहीं चाहिए। किसान तो कभी आराम करता ही नहीं है और किसान मोर्चा से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों से पदाधिकारियों से मैं यही विनम्र अनुरोध करूंगा, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, भगवान विश्वनाथ की धरती है और दुनिया के मानवता के सबसे बड़े समागम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ की धरती है। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है, मैं आमंत्रण दूंगा आप जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि हैं वे प्रयागराज कुंभ में जरूर जाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देश की आस्था का सम्मान किस रूप में उनके द्वारा किया गया, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का क्या संदेश होना चाहिए, प्रयागराज में जाकर के देखिए। स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम प्रयागराज कुंभ आपको देने जा रहा है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, 450 वर्षों से प्रयागराज में किले के अंदर कैद अक्षय वट के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करिए जो 450 वर्षों से भारत की श्रद्धा रास्ता को कैद करके रख दिया गया था। और फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम सबको 2019 के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। एक आमंत्रण प्रयागराज कुंभ के लिए और दूसरा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, और उस निधि की दिशा यहां पर किसान मोर्चा के समापन कार्यक्रम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश को और देश को देने जा रहे हैं। मैं आप सभी प्रतिनिधियों को उस कार्यक्रम में भी सादर आमंत्रित करता हूं, आप सभी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम आपके बहाने गोरखपुर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन और उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, तो इस बहाने मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में कल उस कार्यक्रम में भी सादर आमंत्रित हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं देश के कोने कोने से आई हुई आप सभी प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं, बाबा गोरखनाथ की धरती पर अभिनंदन करता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में किसान मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाला है, आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आपने किसानों के बारे में जो अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं समय समय पर और जिस तत्परता के साथ उन्हें लागू करवाने में किसानों के हितों को आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान है, हम किसान मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ मिलिए भारत माता की। क्यों भाई, किसान मोर्चा वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखिए मोदी जी दिल्ली में बैठे, उन तक आवाज जानी चाहिए, गोरखपुर में किसान मोर्चा के सब कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। 19 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करे किसान मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष और सांसद श्रीमान वीरेंद्र सिंह मस्त जी, यूपी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
गोरख पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन मंत्री जिन्होंने कई सालों से देश के कोने कोने में भाजपा के संगठन को मजबूत बनाने में अपनी ऊर्जा अपना योगदान दिया है, ऐसे श्रीमान रामलाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनके नेतृत्व में पूरी ऊर्जा के साथ कृषि कल्याण विभाग किसानों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, ऐसे श्रीमान राधामोहन सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे भाई डॉक्टर अनिल जैन जी, श्रीमान राजा वर्मा जी, प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, हमारे सूर्य प्रताप शाही जी जो यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, कृषि मंत्री है, शिव प्रताप शुक्ला जी, श्रीमान हृदयनाथ जी, हमारे प्रदेश महामंत्री और यहाँ के किसान मोर्चा के प्रभारी भाई पंकज सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, और देश भर के अंदर से पधारे हुए कोने कोने से आए हुए किसान कुंभ में आप सब आए हो, सभी किसान भाइयों का बहनों का मैं हृदय से मन पूर्वक इस गोरखनाथ की नगरी में आपका स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ भैया, मैं आपका स्टैंड पर सेट कर बैठ जाओ जरा, तो पीछे मेरे डेलीगेट्स मुझे दिखाई पड़ गए, जरा सेट करके बैठ जाइए प्लीज, इतना कोऑपरेट करो, मैं यही रहकर बोलने वाला हूं। मित्रों, आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन का अभी उद्घाटन झंडा तोलन के साथ हुआ, मगर जिस भूमि पर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा होने जा रहा है, ये भूमि महान योगी गोरखनाथ की तपोस्थली है, ये गोरखनाथ की भूमि पर आकर मैं हम सब यहां अपने आप को धन्यता का अनुभव करें। ये गोरखनाथ का मंदिर केवल नाथ संप्रदाय का मार्गदर्शक नहीं है, जब मीनाक्षीपुरम में बहुत बड़ा धर्मांतरण हुआ, देश भर का हिंदू झिझोड़ कर रह गया था, सब वो सोचने लगे आगे क्या होगा। इस वक्त यहीं से महंत अवैधनाथ ने आवाज उठाकर धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में अलग जगाने का काम किया था और एक नया संदेश देने का काम किया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, मुझे सार्वजनिक रूप से कहने में आज मेरे जीवन में पहली बार सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूं और संवेदना के साथ कह रहा हूं, महंत अवैधनाथ जी का मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझ पर बड़ा अनुग्रह रहा है, बड़ी कृपा रही। एक युवा कार्यकर्ता के मन में, एक युवा कार्यकर्ता के दिल में अनेक प्रकार की गुत्थियां रहती है, अनेक प्रकार की समस्या उसको परेशान करती है, क्या होगा, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। महंत अवैधनाथ जी ने 80 के दशक में मेरा 11 दिन का उनके साथ सहवास रहा, मेरे मन की सारी गुत्थियों का समाधान महंत अवैधनाथ जी ने अनेक संतों के साथ मेरा संपर्क कराकर किया था। मुझे कुंभ को कैसे देखना चाहिए ये भी महंत अवैधनाथ जी ने मार्गदर्शन किया, और 86 के कुंभ में उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कल्पवास का संकल्प लेकर कुंभ के अंदर रहा था। मित्रों, मेरे पर व्यक्तिगत रूप से भी महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा ऋण और भार है। मैं आज महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में मेरी इनके श्री चरणों में प्रणाम कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के
कारवा पर हमला कर कायरता पूर्ण तरीके से हमारे 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा। ये देश के अंदर एक प्रकार का रोष है, गुस्सा है, ये जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना है। मगर मैं आपको कहने आया हूं मित्रों कि आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपना कर रही है। आप चिंता मत करना, जवानों का जो खून कश्मीर की धरती पर बहा है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 5 साल के अंदर आतंकवाद का जड़वा तोड़ जवाब देने का अगर किसी ने आजादी के बाद पहली बार प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। चाहे वो जवाब कूटनीतिक क्षेत्र में देना हो, चाहे गोली का जवाब गोले से देना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक कर देना हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी मामले में तनिक भर भी विचार नहीं किया है। मित्रों, आज पूरा देश 40 से ज्यादा जो जवान शहीद हुए हैं इनके परिवारों के साथ खड़ा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भी वो परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। और मित्रों, आज किसान संघ के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता यहीं से संकल्प लेकर जाए कि नई सरकार ऐसी बनाएंगे कि जो आतंकवादियों को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं करेगी। मित्रों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सालों से हम सुनते आए हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, मगर कभी भी किसानों की चिंता करने वाली सरकार आई नहीं। और एक दृष्टि से देखें तो देश का विकास और देश की कृषि का विकास दोनों को अलग करना असंभव है। हमारे देश की पहचान ही कृषि, हमारे देश की पहचान ही किसान। देश की 60% आबादी कृषि के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करती है। देश का जो जीडीपी है उसका 15% कृषि का क्षेत्र से आता है, किसान के प्रति पसीने से आता है। 17 ट्रिलियन रुपयों का कारोबार एक कृषि सेक्टर से होता है और $38 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कृषि के क्षेत्र से होता है, जो देश के रुपये को स्थिर रखने का काम करता है। 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर आज खेती होती है और दूध और अनाज के उत्पादन से आज हम ऐसे आत्मनिर्भर बने हैं कि जगत का ताप किसान पूरे भारतवर्ष की जनता का पेट भरने के लिए सक्षम है। एक दाना भी बाहर से नहीं लाना पड़ता है। ये भारत की आज स्थिति बनकर रही। मित्रों, हमने सम्यक कृषि विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नीति अपनाई है। दाम का स्वावलंबन, जल का स्वावलंबन, टेक्नोलॉजी का स्वावलंबन, मुद्रा का स्वावलंबन और आर्थिक स्वावलंबन, ये 5 सूत्रों के आधार पर हमने कृषि कल्याण की योजना को आगे बढ़ाया है। और मैं आपको बताता हूं मित्रों, मैं बड़े बचपन से सरकारों की विकास योजनाओं का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, 70 साल तक जितनी भी सरकारें आई वो सरकारों ने किसानों के लिए एक वोट बैंक समझकर टुकड़ा 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 काम करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किसान के विकास को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाकर किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये शब्द बोलने का भी किसी में साहस नहीं।
राहुल बाबा अभी मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे कि किसी की आय दोगुना करना कोई मजाक नहीं है। अरे राहुल बाबा, हम भी समझते हैं मजाक नहीं है, हम भाजपा के कार्यकर्ता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। 2022 में हम कृषि की आय को दोगुना कर कर रहेंगे और आप हमें कृषि में सलाह देंगे, राहुल बाबा हमें सलाह देंगे। जिनको मालूम नहीं है, आलू भूमि के नीचे होता है, ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है, वो हमें सलाह देंगे। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, हाथ में कागज रखे बगल चार रवि की फसलों का नाम दे दो, चार खरीफ की फसलों का नाम दे दो, हम आपको कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। और कृषि के बारे में आप ज्ञान बांटते हो, कांग्रेस पार्टी जो 55 साल तक शासन करी, 55 साल तक एक परिवार का शासन रहा, चार पीढ़ी का शासन रहा, क्या हालत कर दी मेरे किसानों की, किसानों की जोत घर के आंगन जितनी कर दी आपने, किसानों को ऋण के बोझ के तले दबा दिया, किसानों को इनपुट क्रेडिट्स के लिए साहूकारों के सामने भेजने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब देश भर में किसान अगर बदहाल था तो उसका एक सबसे बड़ा योगदान किसी एक पार्टी की सरकार का रहा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार। मित्रों, 2014 में देश की जनता ने क्रांतिकारी निर्णय किया, 30 साल बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली। और जिस क्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ली, उसी क्षण इस देश के किसानों के विकास का एक नया राह मार्ग प्रशस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और मैंने जैसे कहा, किसान का वोट चाहिए इसलिए नारे लगाइए, किसान का वोट चाहिए इसलिए टुकड़े टुकड़े में कुछ दे दो, हमने किसान को कभी भिक्षुक नहीं समझा है। किसान सम्मान के साथ पसीना बहाने वाला, देश के विकास में कंधे से कंधा लगाने वाला किसान है, इसीलिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारे के आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ती है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जन्म जनसंघ के रूप में था। भाजपा बनी उसके पहले हम जनसंघ के नाम से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते थे, तभी से हमारा नारा था मुक्त व्यापार मुक्त खेती यही समृद्धि का रास्ता है। उस वक्त भी हम कहते थे मुक्त व्यापार और मुक्त खेती को लेकर जाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। उस वक्त भी हमने व्यापार के साथ खेती को देश की समृद्धि का जरिया माना था और नरेंद्र मोदी जी ने इसी को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, किसानों के समस्याएं कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में, कई क्षेत्रों में बटी हुई थी। कोई एक योजना किसानों का भला नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक करकर सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लाने की शुरुआत की। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपदा के समय जो किसान के सर पर भगवान और नीचे धरती माता होता था, बीच में सरकार नाम का कोई प्राणी ही नहीं होता था, और जो सहायता देते थे ऊंट के मुंह में जीरा जैसी सहायता देते थे, नरेंद्र मोदी जी ने सहायता के हेक्टर भी बढ़ाए, सहायता की राशि भी बढ़ाई और सहायता की पात्रता भी बढ़ाई। 50% नुकसान हो तक सहायता नहीं मिलती थी, हमने 33% नुकसान तक दी, 4 हेक्टर तक दी और राशि में भी 50% की वृद्धि करकर 87% किसानों को ज्यादा सहायता मिले, इस प्रकार के एक वैज्ञानिक पद्धति को हमने लिया। और जितने भी आपदा आई, अगर कांग्रेस की सरकारों के हिसाब से ये आपदा बांटते तो 87% किसानों को न मिलती, सिर्फ 13% किसानों को मिलती। आप कल्पना करिए कितना घोर अन्याय किसानों के साथ 55 साल तक की कांग्रेस की सरकार। इसके बाद
मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं। योगी जी ने अभी खाद कारखाने की बात करी, कारखाना तो लगेगा, यूरिया भी बड़े बनेगा, किसान के घर तक भी पहुंचेगा, मगर पहले किसान के नाम पर सब्सिडी जो यूरिया की होती थी वो उद्योगपति काला बाजारी खा जाते थे। किसान का यूरिया बारोबार सीधा व्यापारियों के पास केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, किसान को यूरिया उपलब्ध नहीं होता था, चाहे रवि हो चाहे खरीफ, किसान पर लाठियां भाजी जाती थी, लाइनें देखी जाती थी। मुझे बताओ किसान भाइयों, कांग्रेस के राज में लाइनें आपने देखी है या नहीं देखी है? जरा जोर से बोलो, देखी है या नहीं देखी है? नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा प्रयोग किया, यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। अब नीम कोटेड यूरिया काला बाजारी में जा ही नहीं सकता, केमिकल के उपयोग में आ ही नहीं सकता, काला बाजारी बंद हुई, आपको घर बैठे जितना यूरिया चाहिए वो यूरिया मिलने लगा और देश का उत्पादन बढ़ने लगा। एक छोटा सा प्रयोग, अरबों खरबों का भ्रष्टाचार खत्म किया, किसान की परेशानी दूर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो किसान के अंदर, किसानी के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान का बड़ा महत्व है। जवाहरलाल जी के समय से हमारी प्रयोगशालाओं में, हमारी लेबोरेटरीज में ये अनुसंधान होते थे, मगर लैब टू लैंड प्रयोगशाला के अनुसंधान किसान के खेत में नहीं पहुंचते थे। किसान को मालूम नहीं था कि मेरी भूमि कैसी है, ये भूमि में कौन सा पाक अच्छा होगा, कौन सी फसल अच्छी होगी, ये भूमि में कितना पानी चाहिए, ये भूमि में यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, चाहिए तो कितना चाहिए, कब डालना है, कोई इंफॉर्मेशन किसान के पास नहीं थी। सॉइल हेल्थ कार्ड लाकर लैब टू लैंड के कंसेप्ट को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया और आज 11 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देकर वैज्ञानिक मार्गदर्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं दावा करता हूं ये हमारा जो उत्पादन बढ़ा है, ये कहते हैं कैसे दुगना आय करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा अपने आप आय दुगनी हो जाएगी। राहुल बाबा, आपके पैर कभी खेत के कीचड़ से गंदे नहीं हुए हैं, कभी आपके फेफड़े में भूमि माटी की महक नहीं गई है, कभी कुल्हड़ की तवे पर बना हुआ बाजरे का रोटा खाने का सौभाग्य आपको नहीं मिला है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि लैब टू लैंड का मतलब क्या है। मित्रों, उसके बाद में प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, बड़ी बड़ी योजनाएं, 111 योजनाएं 20-20 साल से जिसका पत्थर जवाहरलाल नेहरू रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी के भाग्य में आई, इसको पूरी करना। मोरारजी भाई रखकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी ने पूरी किया। देव गोड़ा लेकर गए थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। इंदिरा बहन लेकर गई थी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरी करी। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाएं करी। इतना ही नहीं, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फवारा पद्धति और टपक सिंचाई, लगभग हमारी सरकार बनने के पहले देश में 28 लाख हेक्टर में थी। जरा जोर से बोले, कितने हेक्टर में थी भाई? क्यों भाई, क्या हुआ है? ये व्यापारियों का सम्मेलन है, किसानों का सम्मेलन है? जोर से बोले, कितने? और नरेंद्र मोदी सरकार के 5 साल समाप्त होने आए हैं। मैं आपको हिसाब देने जा रहा हूं मित्रों, ये 5 साल के अंदर 28 के जस का तस रखे 35 लाख हेक्टर नई माइक्रो इरिगेशन बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर 70 साल के 28 लाख और कहां 5 साल के 35 लाख। इसको कहते हैं किसान के लिए काम करना। राहुल बाबा, जरा किसान के खेत में जाकर देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए, आज भी ये दिग्विजय सिंह एन कंपनी, राहुल बाबा एन कंपनी, सपा बसपा सब मजाक उड़ाते हैं। मित्रों, मैंने अभ्यास किया है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा हूं, एग्रीकल्चर फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी वैज्ञानिक और संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
कोई देश का प्रधानमंत्री लेकर नहीं आया था, इसीलिए विगत 35 सालों में जितना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भुगतान हुआ है उससे ढाई गुना भुगतान हमारे 4 साल के अंदर होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के। और अभी भी हमारा मन खुला है, इसमें जो सुधार करने की जरूरत है मोदी जी संवेदनशीलता के साथ सुनने वाले प्रधानमंत्री, जो इसमें भी अभी कमियां रह गई है मैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहता हूं सारे किसानों का संपर्क कर जो कमियां आए ये हमारे वीरेंद्र मस्त को दे दो, वीरेंद्र मस्त जो पीछे पड़ जाते हो वो करा कर छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको सुधारने के लिए तैयार है, और सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम किया है। मित्रों, मेरे किसान मोर्चा के भाइयों बहनों से बहुत बड़ी फरियाद है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 8 साल तक रिपोर्ट को खोले नहीं, 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 गुना समर्थन दिया, खरीफ में भी दिया, रवि में भी दिया, 24 पाकों के लिए, 24 फसलों के लिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी इसमें मोक से खलती है। वो कहती है कि मक्का नहीं खरीदा, रागी नहीं खरीदी, फला नहीं खरीदा, ढीका नहीं खरीदा। मित्रों और आप लोग सुन लेते हो, सुनते हो ना, इसका जवाब देना चाहिए। भैया हमने तो कम से कम दाम तय किए, आप में तो ये भी हिम्मत नहीं थी कि दाम तय करना। इस देश में 52% से ज्यादा उत्पादन गेहूं और चावल का होता है, और गेहूं और धान 100% 1.5 गुने दाम से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 50% फसल हमने खरीदी है, कई राज्यों में गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे, यूपी जैसे राज्यों में और फसलों के अंदर भी शुरुआत की है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है फसल ऐसे नहीं खरीदी जा सकती है, इसके भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके कर विक्रय के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, इसके क्रय के खरीद सेंटर बनाने पड़ते हैं, इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने इसी साल घोषणा की है कुछ फसलें छूट गई हैं, और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है, और आप लोग सुन रहे हो। मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूं, जड़बातोड़ जवाब दीजिए उनको, मुंह लौट लीजिए, आपने कुछ नहीं किया 8 साल तक। हमारे प्रधानमंत्री 1.5 गुना दाम लेकर आए, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को माना, गेहूं और धान की शुरुआत कर दी, कुछ दलहनों की शुरुआत कर दी, कुछ राज्यों में कपास और बाजरे मक्का की भी शुरुआत कर दी है, और जो छूट गया है 19 में मोदी जी ही बनने वाले हैं राहुल बाबा, जो छूट गया है उसको हम ही पूरा करेंगे। आप में क्षमता नहीं है ये पूरा करने की, जो छूट गया है वो भी हम ही पूरा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। एक व्यवस्था बनाने में मोदी सरकार लगी है, एक बार फिर से देश का किसान नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे, आपको आपकी फसल बेचने के लिए कोई प्राइवेट व्यापारी के वहां नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आपके द्वारा दिखाई गई राह पर किसानों के घर घर जाएंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार लाएंगे। कल के सेशन में हमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय राधामोहन जी का मार्गदर्शन विस्तार से मिलने वाला है।